So in today's video, we are going to cover new point redox reactions from the same topic chemical reactions and equations. देखो redox में दो वर्ड आते हैं, एक red दूसरा ox. Red ox. Red का मतलब है reduction, ox का मतलब है oxidation. Red का मतलब है reduction, ox का मतलब है ऑक्सीडेशन. ऐसा मीनिंग मत निकालो ना, तो रेड बोले तो लाल, ऑक्स मतलब बैल, लाल बैल की रिएक्शन, लाल बैल वाली रिएक्शन, ऐसा कुछ भी मीनिंग नहीं है. तो इसमें पहला कंसेप्ट हम पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन का. ऐसे ऑक्सीडेशन के बहुत अलग अलग कंसेप्ट है, चार पांच कंसेप्ट है, लेकिन एज फॉर एज योर 10th स्टैंडर्ड इज कंसर्न, वी हैव टू लर्न ओनली टू कंसेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन. द फर्स्ट ऑक्सीडेशन कंसेप्ट बोर्ड पे लिखा है, बोर्ड पे ध्यान दो. एडिशन ऑफ ऑक्सीजन ऑन द एलिमेंट, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन मतलब O2 ऑन द एलिमेंट और कंपाउंड. कंपाउंड पे एलिमेंट के ऊपर जब ऑक्सीजन ऐड होता है उसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन. उसका एग्जांपल देखो, कॉपर मेटल लिया मैंने सॉलिड प्लस O2 गैस मतलब हवा में उसको जलाया, O2 गैस के साथ उसकी रिएक्शन हुई तो प्रोडक्ट मिलेगा CuO, उसका नाम क्यूप्रिक ऑक्साइड. मतलब ये मैंने एक चाइना डिश ले ली, उसको चाइना का नाम भी लेना जीपी आ रहा है, लेकिन क्या करेंगे, चाइना की वजह से तो हम घर पे बैठे वाले. तो चाइना डिश में हमने लिया है कॉपर फिलिंग्स और उसको हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जला रहे हैं, इसलिए हमें मिल गया क्यूप्रिक ऑक्साइड CuO. तो ये मिल गया CuO. अब इसको बैलेंस करेंगे हम, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है, तो यू हैव टू मल्टीप्लाई दिस बाय 2. दो कॉपर हो गए, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो तो 2Cu सॉलिड प्लस O2 गैस गिव्स 2CuO. ये हो गई एडिशन ऑफ ऑक्सीजन ऑन द एलिमेंट. अब आपको मैं कंपाउंड पे भी एक रिएक्शन बता देता हूँ. सिंपल एग्जांपल लेंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड. सी दिस इज कंपाउंड, दिस इज नॉट कोबाल, दिस इज कार्बन मोनोऑक्साइड गैसीय स्टेट में. और इसके ऊपर अगर मैंने ऑक्सीजन एड किया प्लस O2 गैस तो प्रोडक्ट मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस. अब इसको बैलेंस करेंगे, एक कार्बन एक कार्बन, कार्बन बैलेंस है. ऑक्सीजन देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन, लेकिन यहाँ पे और एक आया तो इधर 3 हो गए और इधर 2 ही है, एक बैलेंस हो गया. इसको मैं क्या करता हूँ, इसको 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ. अभी हो गए 2 कार्बन, अब एक ही कार्बन है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ. आप देखो इधर 2 जा 4 ऑक्सीजन हो गए, ये 2 ऑक्सीजन, ये 2 4 हो गए, तो 2CO प्लस O2 गैस 2CO2 गैस. मतलब ये कार्बन मोनोऑक्साइड कंपाउंड है, उसके ऊपर ऑक्सीजन ऐड हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड मिला. और अगर हम इन दोनों रिएक्शन को और एक व्यू से देखते हैं तो ये दोनों कॉम्बिनेशन रिएक्शन है. देखो ना, 2 रिएक्टेंट एक प्रोडक्ट, 2 रिएक्टेंट एक प्रोडक्ट, ठीक है. तो ये पहला कंसेप्ट है ऑक्सीडेशन का, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन ऑन एलिमेंट और कंपाउंड. दूसरा एक कंसेप्ट है ऑक्सीडेशन का, वो है लॉस ऑफ हाइड्रोजन. ऑक्सीडेशन का दूसरा कंसेप्ट, लॉस और रिमूवल, रिमूव मतलब निकाल देना, ऑफ हाइड्रोजन H2 फ्रॉम द कंपाउंड इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन. इसका एग्जांपल ले लेंगे, ठीक है. तो प्रथम मैंने लिया हाइड्रोजन सल्फाइड H2S गैस और इसकी रिएक्शन जिंक मेटल के साथ कर दी, तो दोनों में जब रिएक्शन होगी तो प्रोबेबली प्रोडक्ट क्या मिलेगा. देखो जिंक डेफिनेटली कंबाइन विद सल्फर रेदर देन हाइड्रोजन, सो प्रोडक्ट विल बी ZnS, जिंक सल्फाइड प्लस H2. तो इस रिएक्शन में क्या हुआ, H2S में से H2 का लॉस हुआ, दैट इज लॉस और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम द कंपाउंड
इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन ओके। अभी इसका और एक एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा, C2H6 ये है इथेन, तो नहीं है इथेन है, ठीक है। अब जब मैं इसका डिकम्पोजिशन करूंगा तो मुझे प्रोडक्ट मिलेगा C2H4+H2, ये मिल गया इथेन, ठीक है। तो यहाँ कार्बन दो, इधर कार्बन दो आए, यहाँ हाइड्रोजन कितनी है 6, लेकिन यहाँ हाइड्रोजन कितने रह गए 4, मतलब दो का लॉस हुआ। लॉस और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम द कंपाउंड इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो ये इथेन का इथेन होना क्या है, इथेन का इथेन होना भी ऑक्सीडेशन है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे रिडक्शन रिएक्शन, उसके बाद रेडॉक्स। तो रिडक्शन के भी दो डेफिनेशंस, पहली डेफिनेशन जो आप रिडक्शन की पढ़ेंगे वो है, अब देखो ऑक्सीडेशन की क्या थी, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, अब यहां भी क्या आएगा उल्टा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द कंपाउंड इज कॉल्ड रिडक्शन, रिमूवल ऑफ O2 फ्रॉम द कंपाउंड। फॉर एग्जाम्पल देखो, ये मिल गया जिंक ऑक्साइड और इसकी रिएक्शन मैंने कर दी कार्बन के साथ, कोल के साथ, और इसको लार्ज अमाउंट में हीट सप्लाई की, तो ये कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हो जाएगा और प्रोडक्ट मिलेगा जेडियन प्लस CO, यानी कि इस रिएक्शन में क्या हुआ, जेडियन ओ में से ओ रिमूव हो गया, O2 या ओ दोनों भी चलते हैं वैसे, O2 और ओ फ्रॉम द कंपाउंड रिमूवल ऑफ, यहाँ पे हम ऑक्सीजन लिख देंगे सबसे अच्छा, ऑक्सीजन फ्रॉम द कंपाउंड इज कॉल्ड रिडक्शन रिएक्शन। मतलब इसमें जेडियन ओ जिंक ऑक्साइड अंडर गोज रिडक्शन, ठीक है। तो ये क्या होगी, उसी रिएक्शन रिडक्शन रिएक्शन। अब दूसरी एक डेफिनेशन है रिडक्शन की, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन ऑन द एलिमेंट और कंपाउंड, इसको भी क्या बोलते हैं, रिडक्शन रिएक्शन बोलते हैं, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन ऑन द एलिमेंट और कंपाउंड। देखो एग्जांपल, ये कार्बन स्टेट सॉलिड H2 ऐड हुआ इसके ऊपर प्लस H2 की स्टेट गैस, तो प्रोडक्ट मिला मुझे CH4 मीथेन गैस। अभी इम्बेलेंस्ड है, एक कार्बन एक कार्बन, लेकिन यहाँ H2 है, यहाँ पे 4 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, तो कार्बन सॉलिड प्लस 2H2 गैस गिव CH4 गैस, हाइड्रोजन एलिमेंट पे ऐड हुआ, क्या हो गई रिडक्शन रिएक्शन। दूसरा एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं, यहाँ पे ऑयल, अब ऑयल एक कंपाउंड है, ऑयल क्या है, कंपाउंड है, इसके ऊपर जब H2 ऐड होता है तो इससे बनते हैं फैट्स, सो ऑयल्स ऑन रिएक्टिंग विद हाइड्रोजन दे यूज फैट्स, यहाँ पे कैटलिस्ट लगता है निकेल नाम का, ठीक है। कैटलिस्ट मतलब क्या, जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट तो नहीं होता है लेकिन रिएक्शन का रेट बढ़ाता है, रिएक्शन की स्पीड बढ़ाता है, उसे कैटलिस्ट बोलते हैं। सो ऑयल्स प्लस हाइड्रोजन गिव्स फैट, ऑयल एक कंपाउंड है, कंपाउंड पे हाइड्रोजन ऐड हुआ, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन ऑन द एलिमेंट और कंपाउंड, कार्बन एलिमेंट है एलिमेंट और कंपाउंड ऑयल कंपाउंड है। तो ये दो तरीके से मैंने आपको यहाँ पे रिडक्शन रिएक्शन पढ़ाई है, एक लॉस ऑफ ऑक्सीजन, दूसरी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। अब हम लेंगे रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल,